नमस्ते दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Xiaomi Mi Mix 2S के बारे में, उसकी पूरी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो इसके लिए बने रहिएगा बिल्कुल वीडियो के एंड तक। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्यूचर में भी ऐसी और भी मजेदार और देखने से बड़े वीडियोज मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था Xiaomi Mi Mix 2S के बारे में, तो ये एकदम लेटेस्ट एक फ़ोन है Xiaomi की तरफ से और इसमें आपको काफ़ी हाई एंड के फीचर्स मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसकी पूरी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन देने वाला हूँ और साथ ही साथ इस फ़ोन के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है ये भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इस फ़ोन के लुक्स के साथ। अभी आप स्क्रीन पे इसके लुक्स देख पा रहे होंगे, देखने में तो काफ़ी अच्छा और लुक्स से ही हमें पता चलता है। इसके रियर में हमें एक डुअल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और देखने में भी ये काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं अब इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें आपको तीन तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये एक वेरिएंट मिलता है जो आपको 34,200 रुपीज़ में मिलेगा इंडियन मार्केट में। और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको मिलता है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो आपको 38,000 रुपीज़ में मिलेगा इंडियन मार्केट में। और साथ ही साथ एक और वेरिएंट है जिसमें आपको 8GB का रैम मिलेगा और 256GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और वो आपको मिलेगा 41,200 रुपीज़ में जब ये इंडिया के अंदर आ जाएगा, इंडियन मार्केट में आपको ये मिलेगा। तो ये 41,000 का भी काफ़ी अच्छा वेरिएंट निकाला गया है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की। और सबसे पहले अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं, इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी हाई एंड का एक प्रोसेसर मिल जाता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है जिसका क्लॉक स्पीड है जो कि 2.8 GHz का, जो कि काफ़ी हाई पावर का क्लॉक स्पीड है। और इसके साथ आपको 8GB का रैम या फिर 6GB का रैम, मतलब ये फ़ोन एकदम मक्खन की तरह चलने की दावा करता है और काफ़ी हद तक ये अच्छा चलता भी है। तो ये फ़ोन के प्रोसेसर तो काफ़ी बढ़िया। और इसी के साथ साथ आपको इसमें हाई एंड का एक GPU भी मिल जाता है जिससे आपका गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके कुछ कैमरे फीचर्स की बात करूं तो इनमें इसका जो रियर कैमरा है उसमें सबसे पहले तो आपको एक डुअल लेंस कैमरा मिल जाता है। एक कैमरा मिलता है आपको 12 MP का जो कि है वाइड एंगल लेंस के साथ, और दूसरा जो कैमरा वो भी आपको 12 MP का मिलता है लेकिन उसमें आपको टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत दूर के फोटोज ले पाएंगे। और दूसरे लेंस से आप अपने जो वाइड एंगल ले पाते हैं वो भी ले पाएंगे, तो इससे आप अपने बोके इफेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया ले पाएंगे। इससे कोई भी DSLR की तरह ये एक फ़ोटो शायद ले पाएगा, फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी हाई एंड का है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट का भी कितना मेगापिक्सल का है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये बहुत जल्दी सामने आने वाला है। जैसे ही इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो मैं आपको एक और वीडियो दूंगा इसके ऊपर, अपडेट वीडियो, जिसमें आपको इसके बाकी के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये फ़ोन अभी तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और इसके जो लुक्स है ये भी काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो ये फ़ोन काफ़ी हद तक एक चल पाएगा। जैसे हमें पता है Mi Mix और Mi Mix 2 जो था वो भी काफ़ी हाई एंड के फ़ोन थे, अभी Mi Mix 2S जो है ये भी शायद काफ़ी हाई एंड का एक फ़ोन होने वाला है और काफ़ी दिनों तक ये चलेगा। तो देख लेते हैं इसमें अब और भी कुछ अपडेट्स आता है तो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी इसके अपडेट्स मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा और इसके एक फुल रिव्यू वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा बिल्कुल मेरे चैनल। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी और भी मजेदार और टेक्नोलॉजी से बड़े वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।